इस सेशन में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मिड पॉइंट सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम पे, कि किस तरीके से हम जो है मिड पॉइंट के थ्रू हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक एस्पेक्ट क्या होता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ उसमें, फिर उसको डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम को पूरा। ठीक है, जैसे जर्नली ये एक मैं सर्किल बना देता हूँ, ठीक है, और ये आपका हो गया पूरा जो हमारा स्क्रीन है वो एक ग्रिड की फॉर्म में होता है, यानी आपके एक्स और वाई, क्योंकि हमारा जो लोकेशंस होते हैं एक्स और वाई से रिप्रेजेंट होता है कोई भी एड्रेस, तो इस तरीके से ये ग्रिड में डिवाइडेड होता है। जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की हम बात करें तो कोई भी पिक्सल्स जो है वो क्या होगा, दो चीजों से फाइंड आउट होगा, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से डिवाइडेड होगी पूरी स्क्रीन। तो अब तक हमने क्या किया, हमारे पास जो दो एल्गोरिथम्स थी या हमने जो भी एल्गोरिथम पढ़ी उनके लिए जो पोजीशन थी हमारी, पिक्सल पोजीशन एक तो यहाँ पे थी हमारी, इस जगह पे, इस वाली लाइन पे, यह आपके पास थी ऊपर वाली लाइन पे, यानी ये आपका हो गया। अगर इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ ये वाई पोजीशन है, वाई के, ठीक है, ये के बनाया हुआ है, के वाई के पोजीशन है, सही से नहीं बना, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इससे लिखता हूँ मैं वाई के, और ये पोजीशन है आपकी वाई के माइनस वन, वाई के माइनस वन। तो हमारा जो पॉइंट है या तो वो वाई के पे बन सकता है या वाई के प्लस वाई के माइनस वन पे, ये दो पोजीशन थी। जबकि हमारा एक्चुअल सर्किल कहाँ से लाई कर रहा है, लगभग वो मिड पॉइंट के नजदीक से गुजरता है। इसमें अगर मिड पॉइंट की बात करें तो वो है ये यहाँ पे, ये पोर्शन है मिडिल में बिल्कुल। तो हमारे पास क्या होते हैं, जैसे ये दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं पिक्सल या यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं जनरली ब्रेसन एम एल्गोरिथम या कोई भी दूसरी जो एल्गोरिथम थी अब तक, उसमें हमने क्या कहा कि अगर ये वाला पॉइंट नजदीक है वाई के तो आपने ये चूज कर लिया, और अगर वाई के माइनस वन नजदीक है तो इसको चूज कर लिया, यानी हमारा जो सर्किल है वो एक्चुअल जो सर्किल है उससे थोड़ा सा या तो ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, एक्चुअल उस स्टेट से नहीं गुजरता जहां से हमारी इक्वेशन उसको क्रिएट करता है, क्योंकि हमारी स्क्रीन पे वो प्लेस ही नहीं है। हमारे पास या तो वाई के है या वाई के माइनस वन है, और सर्किल कहाँ से गुजर रहा है, वो कहीं बीच से गुजर रहा है। तो इसी एस्पेक्ट को देखते हुए एक हमारी एल्गोरिथम डेवलप की गई, मिड पॉइंट एल्गोरिथम। इसने क्या कहा कि भाई पूरा नहीं, ठीक है, अगर आपको हमने क्या करना है, मिडिल से कंपेयर करना है कि मिडिल में किसके नजदीक है, वो अगर ऊपर वाले पॉइंट के नजदीक है, जैसे ये है यहाँ से मिडिल में, ये किसके नजदीक है, ये ऊपर वाले पॉइंट के नजदीक है, मिडिल से ज्यादा है वैल्यू, तो सीधे उसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले पॉइंट को। अगर कोई पॉइंट सर्किल ये यहाँ से गुजरता है, इस पॉइंट की बात करें, तो ये मिडिल से नीचे आ गया, कंपेयर के लिए मिडिल वैल्यू का यूज कर रहे हैं, मिडिल जो वैल्यू है वो हमें बता देगी कि हमें नीचे वाला पिक्सल चूज करना है या ऊपर वाला। ये इस एल्गोरिथम का एस्पेक्ट है मेन, कि हमें डिस्टेंस जो निकालनी है वो मिडिल से निकालनी है, और तब हम मिडिल के जो नजदीक वैल्यू है वो डिटरमाइन करेगी डिसीजन पैरामीटर को, और डिसीजन पैरामीटर से हम ये डिसाइड करेंगे कि वाई के को हमने बढ़ाना है या वहीं घटाना है या वहीं पे रखना है। ठीक है, इस एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो है, जो हमारा मिड पॉइंट अगर सर्किल की बात करें तो उसके लिए एक फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें ये बताएगा कि हमारा जो पिक्सल्स है वो है कहाँ, उसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रिप्रेजेंट अनदर इंक्रीमेंटल सर्किल एल्गोरिथम दैट इज वेरी सिमिलर टू ब्रेसन एम अप्रोच, इट इज बेस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
जो हमारा फंक्शंस है और ब्रेसन इसमें मिड पॉइंट सर्किल में वो है कि हमारा एफ एक्स, जो हमारा एफ एक्स वाई फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगर वैल्यू जो हमारी फंक्शन की जीरो आ रही है, जीरो से छोटी आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो हमें पिक्सल्स है, जो पिक्सल चूज करना है, वो करना है इनसाइड द सर्किल, यहाँ पे इनसाइड द सर्किल, ये वाला पिक्सल नीचे वाला, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑन द सर्किल ही हो, जैसे ये है, ये वाला पिक्सल है, ये बिल्कुल वाई पोजीशन पे है, ये वाला पॉइंट है सर्किल का, ये एक्स और वाई के बिल्कुल पॉइंट पे है, तो यहाँ पे ये फंक्शन जीरो प्रोड्यूस करेगा, लेस देन जीरो प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम नीचे वाला पिक्सल यूज सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्शन जो है वो हमारे इस फंक्शन के बेस पे होगा, जो भी इसकी वैल्यू निकल के आ रही है इस फंक्शन की, वो हमें ये बताएगी कि हमें भाई चूज कौन सा पिक्सल करना है। अगर छोटी है जीरो से तो नीचे अंदर वाला, इक्वल है तो सर्किल पे, और अगर मोर देन आ रही है वैल्यू जीरो से फंक्शन की, तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या होगा, आउटसाइड द सर्किल, जिसको हमें चूज करना है। अब जो है ये पूरी हमने एल्गोरिथम, इसको सिंपलीफाई करने के लिए एल्गोरिथम में लिख दिया, जैसा हमने ब्रेसन एम में था ना, लास्ट में हमने जाके क्या किया था, एक एल्गोरिथम बना दी थी, और उस एल्गोरिथम के हिसाब से ही हमने पूरा का पूरा सर्किल ड्रॉ होना था। तो यहाँ पे हमने एल्गोरिथम ना लिख के वो स्टेप सीधे ही लिख दिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जब हम सिर्फ लॉजिक को एल्गोरिथम की तरह लिख रहे हैं, इससे हमें जो प्रोग्राम बनाना होता है उसमें इजीनेस होती है। जो सबसे पहले डिसीजन पैरामीटर निकालते हैं, पी जीरो बोलते हैं इसको, जो हमें शुरुआत में फंक्शन की वैल्यू देगा, उसके बाद इस पी जीरो से हम कंपेयर करते हुए आगे जो है डिसाइड करेंगे कि हमारा जो है डिसीजन पैरामीटर है वो क्या रहेगा, एक्स की वैल्यू में बढ़ाना है तो कितना बढ़ेगा, वाई की वैल्यू घटानी है तो कितनी घटेगी, ये हम फाइनली डिसाइड करते हैं इनिशियल जो हमारा पैरामीटर है उसके वैल्यू से। तो शुरुआत में हमने क्या करना है, पी को लेना है 1 माइनस आर, और एक्स को 0 और वाई को आर लिया हुआ है, यहाँ पे देख लो इसको, ये वाली पोजीशन है, ये वाली, ये वाली पोजीशन, यहाँ पे वैल्यू, अगर ये सेंटर कोऑर्डिनेट है हमारा, ये है हमारा सेंटर कोऑर्डिनेट एच कोमा के, एच कोमा के, और इस साइड में हम बढ़ेंगे तो ये एक्स होगा, ये एक्स की वैल्यू होगी, और इस तरफ आपकी वाई की वैल्यू होगी, ये हमने मान लिया, ये पॉइंट है हमारा सेंटर पॉइंट। यहां से जब हम बिल्कुल ऊपर चलते हैं इस लाइन पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू होगी आपकी, एक्स की वैल्यू होगी आपकी 0, और वाई की वैल्यू होगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम किसी भी सर्किल में जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट की वो होती है उसकी रेडियस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0, r, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब इससे हम नीचे चलेंगे इस तरफ, कहाँ तक, 45 डिग्री, 90 से 45, ऐसे पहले पॉइंट इसको कंप्यूट करेंगे। एक्स तो हमारा बढ़ते जाना है, हर बार बढ़ते जाना, और वाई को हम या तो वहीं पे फिक्स रखेंगे या घटाने वाले हैं, ये होगा डिसीजन जो हमारा पैरामीटर है उसकी वैल्यू से डिसाइड, जो हमारा डिसीजन पैरामीटर है जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हमें डिसाइड करके बताएगी करना क्या है। P = 1 - R इनिशियल पैरामीटर, और फिर हमने सेट कर दिए x0 yr, कब तक चलना है हमारा लूप, कब तक चलना है, जब तक x की वैल्यू क्या है हमारी,
छोटी है और वाई की वैल्यू बड़ी है, यानी रेडियस जब तक बढ़ती हुई एक्स की वैल्यू रेडियस के इक्वल नहीं हो जाती है, तब तक आप जो है बढ़ते चले जाओगे। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, शुरू में तो रेडियस जरूर है वाई की वैल्यू, लेकिन फिर वाई घटता चले जाएगा और एक्स बढ़ता चले जाएगा, तो वो आर से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। ये कंडीशन जो है ट्रू फॉल्स पहले ही हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वाई तो घटेगा और एक्स रेगुलर बढ़ना है हर बार। अगर यहाँ से वैल्यू जो हमारी पी की वैल्यू है 0 से कम आ रही है, तो इक्वेशन क्या होगी, पी प्लस 2x+3, ये इक्वेशन यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या चूज करना है, लोअर पिक्सल। यहाँ से देख लो इनसाइड द सर्किल, ठीक है, तो एक्स बढ़ा देंगे और वाई को वहीं रहने देंगे, वाई को कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। एल्स पार्ट में अगर मोर देन 0 आ जाती है, तो पी प्लस 2x-y+5, यहाँ पे हमें एक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वाई भी हमारा एक वैल्यू घट जाएगी। ये जो इक्वेशन है यहाँ से यहाँ तक व्हाइल के अंदर है ये सारा, तो ये जो एक्स प्लस प्लस है ये हर बार बढ़ेगा, चाहे आप इस केस में चले जाओ चाहे इस केस में चले जाओ, हमेशा एक्स आपका बढ़ता चले जाएगा। इस तरीके से ये मिड पॉइंट एल्गोरिथम है। दो एल्गोरिथम अभी हमने डिस्कस की हुई है सर्किल की, एक तो मिड पॉइंट एल्गोरिथम जो मेन इंपॉर्टेंट है, दूसरा ब्रेसन है। दोनों में से अगर सर्किल पर क्वेश्चन बनता है तो एक एल्गोरिथम इनमें से ही आएगी। ये हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है इसका सेम, सबसे पहले हमने एक ड्राइवर इनिशियलाइज कर लिया, सेंटर कोऑर्डिनेट डला दिए इसके, एक्स में 0 वाई में आर, पी इज इक्वल टू 1-r, और फिर जैसे ही यहाँ पे कम हो जाता है पी की वैल्यू 0 से, तो हमने क्या फॉर्मूला लगा देना, पी प्लस 2x+1, यहाँ पे फिर हमारा ये वाई हो गया। यहाँ पे 3 और 5 यूज किया था, दे आर जस्ट ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो इन्हें हम बदल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल में ये आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो प्रोग्राम भी बनाने हैं और समझने में भी आपको इजीनेस हो जाएगी इससे। जो पूरा प्रोग्राम है जब ये चलेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई किस तरीके से वर्क एक्चुअल में हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले तो वही हमारे पास हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, देन हमने क्या करना है, ड्राइवर्स ले लेने हैं। यहाँ पे मेरे पास जरूर एक प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, इसमें से जो जरूरी चीजें नहीं काम की नहीं है उनको मैं हटा रहा हूँ ताकि टाइप जो है ना करना पड़े, बट आप लोग इसको टाइप कर लेना, ठीक है। ये पूरा हटा देते हैं यहाँ से, हमारा प्रोग्राम चलेगा। सिर्फ ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर एक प्रोग्राम में लगना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लेना है, एक तो पी लेना है, पी किस लिए लेंगे, डिसीजन पैरामीटर के लिए, एक्स कोमा वाई और एक आर, यूजर से रेडियस डलवाएंगे, एक एक्स सेंटर, एक एक्स सेंटर का वेरिएबल है हमारे पास, एक वाई सेंटर जहां से हमें सर्किल बनाना है। क्लियर स्क्रीन, इसको रहने देते हैं, कोई जरूरत तो है नहीं, ठीक है। स्कैन एफ, एंटर द रेडियस, सबसे पहले रेडियस डलवाएंगे सर्किल की, जो रेडियस होगी सबसे पहले वो डलवानी है हमें, इसके बाद इसको स्कैन एफ करा लो आर के अंदर, ठीक है।
पर निवास करते हैं, यानी प्रति रेडियस प्रतिदिन किया है 271, यानी आप ये समझिए 272 समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसके सर्किल की हमने सेंटर रेडियस डलवा ली, अब सेंटर कोऑर्डिनेट डलवा ली। एंटर एंटर द सर्किल सेंटर, सेंटर जो कोऑर्डिनेट है वो डलवाने हैं, और ये एक्स और वाई होंगे, एक्स सेंटर वाई सेंटर होंगे, तो स्कैनफ परसेंट डी, फिर से एक बार और परसेंट डी लगा रहे हैं, और ये हो गया आपका एंड एक्स सेंटर, और ये एंड वाई सेंटर। ठीक है, ये दोनों डलवा लिए हमने। एक्स के अंदर हमें शुरुआत में क्या सेट करना है, जीरो, वाई के अंदर रखना है आर, और पी जो हमारा डिसीजन पैरामीटर है 1 माइनस आर, ये हमारा फिक्स फॉर्मूला है इनिशियल पैरामीटर के लिए। कब तक चलाएंगे, जब तक हमारी एक्स की वैल्यू वाई से कम है। अब हमने करना है इफ जो हमारा डिसीजन पैरामीटर है पी, उसकी वैल्यू निकल के आती है जीरो से छोटी, तो एक्स को तो दोनों केसेस में ही बढ़ाना है। ठीक है, और हमने वाई में इसमें कुछ करना ही नहीं होता, तो यहाँ पे हमने फिर क्या निकालना है इसका, दोबारे से डिसीजन पैरामीटर, ताकि अगर नेक्स्ट रोटेशन में हमें जो है डिसीजन लेने में ये हेल्प करे। पी इक्वल टू पी प्लस टू इंटू प्लस वन, ठीक है, टू इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, एल्स पार्ट में एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स में बढ़ा दिया हमने वैल्यू, यहाँ पे हमारा वाई डिक्रीमेंट होगा, और अब हमारा जो पी है इसकी लिए नया डिसीजन पैरामीटर ले रहे हैं हम। ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस वन, इसके बाद आपको एट ऑक्टेंट जो हैं जो सिखाए थे मैंने आपको वो लिखने हैं, यहाँ एक्स सेंटर प्लस एक्स, ये हो गया वाई सेंटर प्लस वाई, ये कलर। ठीक है, ऐसे ही हमें कितने कहीं चाहिए यहाँ पे एट, तो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और एक तो जो आप लिख रहे हैं बताएं कि सरकार की किस तरीके की, दो सरकार ने किस तीन काम किया है, सरकार से आपको क्या उम्मीद है, सरकार आपको जो जो सरकार ने पिछले दिनों आपसे वादे किए क्या उन्होंने वो पूरे किए, तो मेन जो चार बीइंग अ जर्नलिस्ट यू नीड पांच व्हाट आर द पॉइंट्स छः सात आठ। अब इसमें चेंजेस कर लेते हैं, पहले वाला हो गया है आपका, ठीक है, एक्स सेंटर में माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरा कलर यूज करना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ डिफरेंट कलर से दिखाई दे रहा है एक्स, यहाँ पे हमारा सेम वही एट ऑक्टेंट है, करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ वो एट ऑक्टेंट लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है,
ये माइनस कर दिया हमने माइनस वाई। बेसिक सबसे पहला मुद्दा क्या रखता है आपको, मुझे जहाँ तक पता है मैं बंगाल गया नहीं, मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा भुखमरी। यहाँ पे एक्स हो गया, क्या ऐसा है? ये कलर बदल देते हैं इसका। यहाँ पे आपका हो गया माइनस वाई और ये माइनस के आपके हो गए एक्स और ये आपका हो गया नया कलर सिक्स और ये आपका हो गया माइनस के वाई और ये हो गया आपका प्लस का एक्स। इनके कलर भी हम बदल सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा पूरा एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। ये छूट गया है ब्रैकेट, मैंने बेसिकली यही मिसिंग, मैंने बेसिकली यही विषय माना कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। कौन सा मिसिंग हो गया? व्हाइल। ये आपका एक स्टेटमेंट, ये यहाँ लगा देते हैं व्हाइल को बंद। ये 20 और 50 तो वो मुद्दे लिखेंगे आप जो समाज के जनता के देख रहे हैं। इसका मतलब जनता क्या चाह रही है, क्या हुआ, जनता की समस्या क्या है, तो वो सब चीजें जब अखबारों में छपती हैं, टीवी पर छपती हैं, तो निश्चित रूप से सरकारें, अच्छा अच्छा ये गड़बड़ हुई, ऑल्ट F5 चुनावी मैदान में घुसते हैं वो। एक मिनट, हमें क्या डलवाना है? एंटर द रेडियस सेंटर पॉइंट कंट्रोल F9 रेडियस डलवाई हमने 100 सेंटर पॉइंट 200 और 300। ये आ गया आपका, ये जो बीच में दिखा रहा है इसका कलर कॉम्बिनेशन अलग हो गया, ठीक है, इसका ब्लैक ही कलर बन गया इसलिए ऐसे दिखाई दे रहा है। ये पूरा सर्किल है, लोगों से पूछिए ना, और वर्तमान सरकार को अगर ये गड़बड़ हो गया था सेव ही नहीं था मिड पॉइंट। अच्छा हुआ ये गड़बड़ नहीं किया इसने, ठीक है। सबसे पहले हमने ये सेंटर कोऑर्डिनेट डलवा लिए एक्स और वाई और रेडियस डलवा ली, आर के अंदर एक्स के अंदर जीरो वाई के अंदर आर और ये पी निकाल ली स्टोर कर लिया 1-R इनिशियल पी। अब ये लूप चलाना है, कब तक चलेगा लूप? जब तक एक्स वाई से छोटा है। ये डिसीजन पैरामीटर हम निकाल ही चुके हैं ऊपर पी, अभी इसकी वैल्यू यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे। अगर ये जीरो से छोटी है तो एक्स में तो बढ़ाना ही है दोनों में, तो ठीक है एक्स तो प्लस प्लस करेंगे, वाई में कोई चेंजेस नहीं करने। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके लिए हमने पिक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा डिसीजन पैरामीटर है वो यहाँ पर बना लिया है पी प्लस टू इन टू एक्स प्लस वन। देन अगर ऐसी केस फर्स्ट केस है जब हमारा पी का वैल्यू जीरो से छोटा है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा? अगर हमारा ये स्थिति नहीं है यानी पी की वैल्यू हमारी मोर देन जीरो है तो हमें एक्स तो बढ़ाना ही है, वाई को माइनस कर देंगे, देन हमारे पास क्या है 2 × x + 1 एक्स माइनस वाई प्लस वन और ये 8 octant। ये लिखना कैसे है ये बता ही चुका हूँ मैं, फिर एक बार आपको बता देता हूँ याद कैसे करना है। मेन यही है हमारे 8 octant, क्लियर कर दिया। अगर ये आपने अच्छे से सीख लिया तो फिर तो एल्गोरिथम आराम से कर लोगे, ये याद करना थोड़ा सा कठिन होता है इसीलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि कैसे करना है, एक आस्पेक्ट है इसका करने का।
क्योंकि इसमें नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा तुम लोगों को। ये 8 हिस्से हमने डिवाइड कर लिए। नेटवर्क ठीक आ रहा है मैनेज कैमरा ऑन करके यहाँ पे हमारा कैमरा ऑन करके एक और है पॉइंट। ये खींच दो लाइन, ठीक है। मीटिंग का 10 मिनट रह गया है यहाँ दोबारा पे आपके पास एक्स कोमा वाई, यहाँ पे वाई कोमा एक्स, यहाँ पे माइनस वाई कोमा एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स कोमा वाई, ये यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, ये वाला पॉइंट माइनस वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, और ये आपका हो गया एक्स माइनस वाई। और जब पुट पिक्सल में लिखेंगे तो एक्स सेंटर और वाई सेंटर। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे करना है आपको फर्स्ट जो पुट पिक्सल का यूज करना है, ऐसे लिखेंगे पुट पिक्सल एक्स प्लस एक्स सेंटर प्लस एक्स कोमा वाई सेंटर प्लस वाई कोमा वन, ये वाला हो गया। इसके लिए होगा पुट पिक्सल एक्स सेंटर प्लस वाई वाई सेंटर प्लस एक्स, देन इसके लिए एक्स सेंटर माइनस वाई वाई सेंटर प्लस एक्स। पी के लिए क्या करना है शुरू में, वन माइनस आर, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब इससे डिसाइड करेंगे अगर वन, नेक्स्ट हमने लिखा था एक्स लेस देन वाई, तब तक चलता रहेगा। और एक्स के अंदर शुरू में क्या है हमारा जीरो, और वाई के अंदर है आपका आर, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमने फिर से लूप इसके अंदर ब्रैकेट लगा देना, और इसके अंदर इफ स्टेट लगानी है। अगर पी की वैल्यू जीरो से कम हो गया तो क्या करेंगे, एक्स को बढ़ा देंगे, और जो हमारा नेक्स्ट पी निकलेगा वो निकलेगा पी प्लस टू इंटू एक्स और प्लस वन। एल्स में हमारा क्या था, एक्स तो हमारा बढ़ना ही है, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, वाई को हमने माइनस माइनस कर देना है, और जो पी निकलेगा पी प्लस टू इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वन, ये हमारा लॉजिक हो गया। आपके दें एक
क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर के लिए आज से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये एक अच्छे से तैयार करना।